गाइस, तो हम यहाँ पर फिर से एक पोल्ट्री फार्म पे हैं और ये वही पोल्ट्री फार्म है जिसकी मैंने पीछे कई सारी वीडियोस डाली थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे चिक्स हैं वो कहीं ना कहीं फिर से डाल दिए गए हैं। तो कौन सा तरीका यहाँ पे लगाया गया है जिससे जो यहाँ के फार्मर हैं उनको अब फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि फॉर्म बंद हो चुका है तब यहाँ पर उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो वो कौन सा तरीका लगाया, कौन सी स्ट्रेटजी लगाई है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और भी कई सारी चीज़ें जो कि फॉर्म में होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, कई सारे काम होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जो फॉर्म दोनों बने हुए हैं इसमें जाके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो तरीका लगाया जा रहा है वो तरीका यही है कि एक में तो चिक्स हैं लेकिन जो दूसरा वाला है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, तो चलिए वो आपको पहले दिखा देते हैं। फॉर्म को देखेंगे तो ये पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, आप चारों तरफ देख लीजिए, उस तरफ मैं कहूँगा कैमरा मैन से दिखा दें तो उस तरफ आप देख सकते हैं खाली है, इसी तरीके से मेरे भी पीछे पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। काम करते हैं लगभग कितने दिनों से कम 2 साल से, मतलब जब से बना है तब से आप यहाँ पर हैं। कितना फायदा मिला है, एक भी बार? कितनी बार लगभग मिला है? 3-4 चक्कर फायदा मिला है। तो यार इधर बहुत दिनों से बंद भी था, ऐसा क्यों था? अरे मालिक चले गए काम से लखनऊ। तो यहाँ पे जो तरीका लगाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म में तो चिक्स है लेकिन एक पोल्ट्री फार्म जो है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। इससे देखिए काफ़ी सारे फायदे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप दोनों पोल्ट्री फार्म में चिक्स डालेंगे, आप जब ज़्यादा चिक्स को डालेंगे तो उससे बीमारी होने का खतरा काफ़ी रहता है, यानी उनमें काफ़ी सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब अगर आप अपने पूरे पोल्ट्री फार्म में चिक्स डाल रहे हैं तो उससे एक दिक्कत ये हो जाती है कि जब आपके चिक्स उठते हैं, अगर आपका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आप खुद भी कह रहे हैं, तो जब आप उनको उठाते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद तक आपको उसकी सफाई करवानी पड़ती है, कुछ दिनों तक जो आपका फार्म है वो खाली रहता है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें एक में से चिक्स उठते हैं तो दूसरे में आ जाते हैं, या फिर जैसे इसमें इस पोल्ट्री फार्म में अभी चिक्स हैं तो जब इसमें से उठने वाले होंगे उससे 1-2 दिन पहले इसमें आ जाएंगे, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि जो लेबर्स होते हैं वो नहीं भागते, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका पोल्ट्री फार्म एक शिफ्ट आई फिर उसके बाद कुछ दिनों तक खाली चल रहा है, तो इससे जो लेबर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें अच्छे से काम नहीं मिल रहा, तो इससे वो भाग जाते हैं, कहीं ना कहीं जो उनको काम है वो सही से नहीं मिल पाता है। और भी दिक्कतें मैंने आपको बताई कि बीमारी हो जाती है, और इससे आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ़ायदा कम होगा क्योंकि आपका एक फॉर्म खाली है, तो इससे देखिए फ़ायदा आपका लगभग बराबर होगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि अगर आपके दोनों पोल्ट्री फार्म में चिक्स रहते हैं तो उससे आपको नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है? अरे भैया यही नुकसान हो जाता है कि उसमें आपको कई बार पैसे मिलते ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपके जो चिक फॉर्म में वो बीमारी नहीं आती है, जो चिक्स है उनका वेट अच्छा आता है, तो इससे ये सारे फायदे हो जाते हैं जिससे आपको लगभग दुगना फायदा होता है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बीच में यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और साइड में पेड़ लगे हुए हैं इनसे क्या फायदा मिलता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है, और अगर आप इस तरफ थोड़ा और आगे आए तो थोड़ा और आगे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप इस तरफ देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये वाले पेड़ लगे हुए, और ये देखिए ये यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऊपर कहीं ना कहीं फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये जो शेड है इसके ऊपर, जब ये इन ट्रीज को इसीलिए लगाया गया है कि क्योंकि जब ये ऊपर फैल जाएंगे तो इससे देखिए क्या फ़ायदा होगा, इससे यही फ़ायदा होगा कि ये पूरी तरीके से ऊपर फैल जाएंगे, तो इससे जो गर्मी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ठंडा रहेगा, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो गर्मी की वजह से होती है, और जब ये पौधे फैल जाएंगे तो गर्मी नहीं होगी, जिससे कि फार्मर को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, इस तरीके के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरफ भी लगा हुआ है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, ये भी इसको ऊपर नहीं चढ़ाया गया है, ये बेसिकली गिर चुका है। अगर हम इसको इस तरीके से खड़ा कर दें यहाँ पर, तो ये देखिए,
तो ये देखिए इस तरीके के पौधे आप लगा सकते हैं जो कि इसके ऊपर फैल जाएंगे, जिससे कि आपको काफी अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं फीड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे किस कंपनी का फीड खिलाया जा रहा है, कैसा फीड है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि भैया फीड भी यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए फीड को थोड़ा सा देख लेते हैं। पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो फीड है ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो किस कंपनी का फीड है ये चलिए देखते हैं। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, अगर हम इसको थोड़ा सा हटाएं तो बॉयलर का फीड है, आप देख सकते हैं ये भी काफी ज्यादा भारी है। इस तरफ अगर आप आके थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाईटेक कंपनी का फीड है, ये बॉयलर है और स्टार्टर है, क्योंकि अभी ये चिक्स इतने बड़े नहीं है इसलिए अभी इनको स्टार्टर दिया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग 20 बैग हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे इस समय 20 बैग आए हुए हैं। फीड रखा हुआ है ये 50 kg का बैग है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने तरीके के फीड होते हैं, 3 तरीके के फीड होते हैं ये तो सब जानते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, लेकिन इन जो ये तीनों फीड होते हैं इसको कैसे दिया जाता है, क्या तरीका होता है, कौन सा तरीका सही होता है जिससे जो आपकी चिक्स है उनका अच्छा खासा वेट आए, कौन सी कंपनी का जो फीड है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो ये सब जानना चाहते हैं तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम फिलहाल के लिए इसी पोल्ट्री फार्म के अंदर आ चुके हैं, तो इसके अंदर दिखा देते हैं कि चिक्स कैसे हैं। तो अगर आप किसी भी पोल्ट्री फार्म में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि गंदगी रखी जाती है, अगर गंदगी नहीं रखी जाती तो इतनी स्मेल नहीं आती है। आप इस तरफ अगर देखेंगे तो इस तरफ काफ़ी सारे चिक्स हैं, और भी अगर आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे चिक्स हैं।